हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सीपीओ 2018 का जो एग्जाम है वो 4 जून से शुरू हो रहा है, टायर वन 10 जून तक चलेगा। हम मान के चलते हैं कि हमारा एग्जाम 4 जून को ही है, यानी कि हमारे पास 2 महीने हैं लगभग प्रिपेयर करने के लिए अपने एग्जाम्स के लिए। तो अब आप देखिए कि 165 एटलीस्ट हमें स्कोर चाहिए अगर हमें जॉब सिक्योर करनी है दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ या एसएसबी में, ठीक है, जो अच्छी जॉब मानी जाती है। अब हमें इस चीज के लिए 40 प्लस स्कोर एटलीस्ट करना ही पड़ेगा जीके के अंदर। कोई बड़ी बात नहीं है जीके के अंदर 40 प्लस स्कोर करना। मेरा स्कोर भी 42 के अराउंड था, 41 या 42 था। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम तैयार करेंगे जीके को कि अगले 2 महीने के अंदर हम 40 प्लस स्कोर कर सकें। आप चाहे तो मेरे क्रेडेंशियल्स वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, टॉपिक जो है हमारे पूछे जाएंगे जीके के अंदर, ये 7 टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतिहास, स्टैटिक जीके में से आएगा और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो वन बाय वन इन सभी टॉपिक को हम विस्तार में देखते हैं कि कैसे कैसे हम इनको प्रिपेयर करना है 2 महीने के अंदर। सबसे पहले लेते हैं इंडियन पॉलिटी। देखिए, मैंने अभी इनके एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं शेड्यूल्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी, ये 4 लेक्चर अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और कल एक लेक्चर आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, या फिर शाम तक भी आ सकता है। उसके बाद पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है, कैबिनेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन, इनके ऊपर लेक्चर आएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से लगभग 90% पॉलिटी का पार्ट पूछा जाता है। और जो 10% आपका पार्ट बच जाता है उसके लिए आप, हमने जो 3 पार्ट डाले हुए हैं एमसीक्यूज के पॉलिटी के, वो आपको देखने हैं। ये 10% पोर्शन जो बचा हुआ है आपका, वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। और इवन जो ये टॉपिक आप पढ़ते हैं सारे के सारे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगले एक महीने के अंदर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर एक टॉपिक को हम खत्म कर देंगे अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर। आपको रिविजन का टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है, तो उनका भी आपका रिविजन हो जाएगा जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं जब आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यू देखते हैं। इसके साथ साथ हम एक सीरीज और लेके आ रहे हैं आपके लिए केवल सीपीओ के लिए, जिसमें हम 2017 और 16 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें जीके के टॉपिक वाइज हम कंपाइल करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, वैसे तो हम उन सभी को यहाँ पे पढ़ा ही देंगे, सभी कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद भी आपका एक रिविजन टाइप हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम आए हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आना भी काफी जरूरी है। तो इंडियन पॉलिटी में आप यहाँ पे, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है जीएस के लिए, आप केवल यहीं पे रहिए और जो लेक्चर हम रोजाना अपलोड कर रहे हैं उन लेक्चरों को बस देखते रहिए, ठीक है, रिपीट करके देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता या याद नहीं रहता, 2-3 बार देखने के बाद मैं नहीं मानता कि आपको वो चीज़ याद नहीं होगी, ठीक है, तो आपका 100% स्कोर होगा पॉलिटी के अंदर। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में आपको क्या काम करना है, पहले तो इसको हम देख लेते हैं। जनरल साइंस के अंदर हमारी केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी और बायोलॉजी आएगी। बायोलॉजी का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। मान लीजिए अगर 12 के अराउंड क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस के अंदर से, 12 के अराउंड ही लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं साइंस से। पॉलिटी से लगभग 6 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इन 12 क्वेश्चन में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बायोलॉजी से ही होते हैं, ठीक है, बाकी 5-6 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स से होते हैं। तो बायो को हमें सबसे अच्छा प्रिपेयर करना है इसमें। बायो के लिए मैंने 2 लेक्चर अभी तक हमारे आ चुके हैं। एक आ चुका है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अभी एक दूसरा जो लेक्चर है वो है डेफिशिएंसी डिजीज का, जो विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से या उनकी कमी, विटामिन की कमी की वजह से जो बीमारियां होती है, उनके विटामिन के सोर्स क्या क्या है, उनके ऊपर एक लेक्चर है। और इसके बाद ब्लड के ऊपर एक लेक्चर आएगा, नर्वस सिस्टम के ऊपर एक लेक्चर आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम यानी जिसके अंदर हम सभी के सभी ग्लैंड्स, उनके फंक्शन, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और कौन से हार्मोन वो सीक्रेट करते हैं, और बॉडी पार्ट्स जो जो इंपॉर्टेंट जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सभी के सभी हम 6 से 7 लेक्चर के अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हमने बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज भी अपलोड कर रखी है, आपको वे सभी एमसीक्यू देखने हैं ताकि आपका सारे का सारा रिविजन हो जाए इन टॉपिक्स का, और जो एक्स्ट्रा जो मिसलेनियस क्वेश्चन निकल के आते हैं वो भी आपके प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। फिजिक्स के अंदर
हम जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं फिजिक्स के अंदर, हमें केवल प्रिंसिपल पढ़ने होते हैं। इन तीनों में सबसे आसान जो चीज़ है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में से, फिजिक्स ही सबसे आसान है, क्योंकि एक बार हम प्रिंसिपल समझ जाते हैं किसी चीज़ का तो क्वेश्चन को चाहे कैसे भी पूछ लिया जाए। जबकि बायोलॉजी बायोलॉजी में हमें कुछ नाम याद करने होते हैं, ठीक है, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ याद नहीं करना होता, केवल हमें प्रिंसिपल समझने होते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जैसे काइनेमेटिक्स के, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, पेंडुलम, सभी के सभी चीज़ों के ऊपर 5 से 6 से 7 लेक्चर में हम इस चीज को कवर कर देंगे। उसके साथ साथ हमने फिजिक्स की एमसीक्यू सीरीज भी है, आप वहां से एमसीक्यू देखते रहिए, और ये जो हम 2016 और 17 के एमसीक्यू डालेंगे पिछले एग्जाम में आए हुए, उनको भी देखिए, तो आपका मिसलेनियस पार्ट भी कवर हो जाएगा और आपका पूरा फिजिक्स कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर भी हम जैसे कि जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि एसिड बेस के हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उनके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल यूज है उसके ऊपर भी एक दो या तीन लेक्चर आएंगे, यानी टोटल मिला के इसमें भी हम 6 से 7 लेक्चर अपलोड करेंगे। आपको केवल वो देखने हैं, और केमिस्ट्री के जो एमसीक्यू सीरीज हम शुरू करने वाले हैं थोड़े दिनों में, ठीक है, डेढ़ डेढ़ महीने के अंदर ही सब कुछ हम खत्म कर देंगे सारा का सारा पार्ट, ठीक है, तो वो आपको देखनी है, तो आपके मिसलेनियस जो फैक्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और जो मेन टॉपिक्स हैं वो तो साथ साथ इन लेक्चर्स में कंप्लीट हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा फोकस है 40+। पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास 2 महीने बहुत कम टाइम होता है, तो रोज हमें दिन रात मेहनत करनी है उस चीज के लिए। अब आई हमारी फिर ज्योग्राफी। देखिये ज्योग्राफी के अंदर जो हमने एमसीक्यू सीरीज है आप उसको देखिए, ठीक है, इसके साथ साथ जो इसका एक पार्ट निकल के आता है, जो समझने वाला पार्ट होता है, सब चीज एमसीक्यू से कवर नहीं होती, जैसे कि रिवर सिस्टम हमारा, ठीक है, टोपोग्राफी यानी कि माउंटेन्स कहाँ कहाँ कौन से टाइप के माउंटेन्स है, ठीक है, कहाँ कहाँ की सोइल कैसी है, सारा का सारा इसमें हमारे पूरा इंडिया का स्ट्रक्चर, इंडियन टोपोग्राफी पूरी पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ सीजन्स, मानसून सीजन, समर सीजन, जितने भी टाइप के मानसून का पूरा मैकेनिज्म, क्योंकि मानसून के ऊपर पूरे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वेजिटेशन, ठीक है, टाइप ऑफ वेजिटेशन, फॉरेस्ट वगैरह हम सारे के सारे पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ एवरग्रीन है, कहाँ ट्रॉपिकल डेसिडियस है, कहाँ सब ट्रॉपिकल, सब कुछ पढ़ेंगे, कहाँ अल्पाइन है, तो ये तो लेक्चर सीरीज में हम कवर कर लेंगे। उसके बाद जो मिसलेनियस फैक्ट बचते हैं उसको आप एमसीक्यू से कवर करेंगे, 2 पार्ट इसके आ भी चुके हैं और आगे के पार्ट में हम इसके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स में। देखिए इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें हम कोई एमसीक्यू ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, 13 से 14 लेक्चर इसमें मैं अपलोड करूंगा 20-20 मिनट के, आपको केवल वो लेक्चर देखने हैं, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने काफी डीप पढ़ी है, जब मैंने फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए पढ़ाई की थी, डबल ओ के लिए जो पेपर लिया जाता है सीजीएल के अंदर, तो मैं आपको बहुत अच्छे से सब चीजें समझाऊंगा, और आपको केवल 2 बार ये सभी के लेक्चर 20-20 मिनट के लेक्चर जो है रिपीट करके देखने हैं, आप जिंदगी भर ये सब इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का जिम्मेदारी पूरी तरीके से मेरी है, इन 14 लेक्चर में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। फिर आती है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के लिए आपको क्या काम करना है, आपको जो एमसीक्यू सीरीज है वो फॉलो करनी है, ठीक है, उसको फॉलो करने के बाद मैं आपको एक कंपाइलेशन दूंगा लेक्चर्स का, जिसमें हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे सभी गवर्नर जनरल्स, उनके दौरान क्या क्या हुआ, ठीक है, जो जो मुख्य घटनाएं घटी वो सभी डिस्कस करेंगे, जो मेन मेन बैटल उनके समय पर हुई, जो भी कोई चार्टर पास हुआ, कोई जो भी एक्ट पास हुआ, गवर्नर जनरल वाइज हम उस चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद मेजर बैटल्स, जो मेजर युद्ध हुए हमारे, उनके उनको डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर आएगा जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। एक मूवमेंट्स जो हमारे आजादी के मूवमेंट्स आंदोलन हुए उसके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर होगा, जिसमें हम सभी के सभी डिटेल डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, सभी मूवमेंट्स की, नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस। और एक लेक्चर होगा ट्रीटीज का, संधियां जो हुई हैं अभी तक, सभी की सभी ट्रीटीज डिस्कस करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, क्योंकि आजकल ट्रेंड में है एसएससी के कि वो ट्रीटीज पूछ रही है। जैसे कि मैंने अभी स्टडी किया जो सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर जो अभी आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि शायद एसएससी इसी पैटर्न को सीपीओ में फॉलो करेगी, तो उसी हिसाब से हम आपकी स्ट्रेटेजी पूरी तैयार कराएंगे, आपको सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें याद करनी है, ठीक है,
जैसे कि हमने अभी स्टैटिक के कुछ लेक्चर अभी डाल दिए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डाला हमने, अभी नेशनल पार्क्स का भी लेक्चर आ चुका है, फोक डांस का भी, लोक नृत्य, इनका भी लेक्चर आ चुका है, इसके बाद डैम्स का, ठीक है, इंपोर्टेंट रिवर्स और टेम्पल्स, इंपोर्टेंट टेम्पल्स, यूनेस्को साइट, ठीक है, स्पोर्ट्स की स्ट्रेटेजी के, जिसमें हम ट्रॉफीज वगैरह जितनी भी होती हैं स्पोर्ट्स से, कौन कौन सी किस स्टेट स्पोर्ट्स रिलेटेड है, एक 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 फैक्ट रिलेटेड एक वीडियो आएगी जिसमें सीएम और गवर्नर सभी राज्यों के हम डिस्कस करेंगे, किस किस कहाँ कहाँ जो नए नए चीफ मिनिस्टर्स चुने गए हैं और पहले कौन से हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, गवर्नर के ऊपर कुछ ही छोड़ी नहीं जाएगी। उसके बाद जो अभी अभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स सारी की सारी डिस्कस करेंगे विद डिटेल, और अपॉइंटमेंट जो अभी अभी नई नई हुई है, ठीक है, जो भी हमारी ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट होती है, जैसे कि कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो भी जो नई नियुक्ति हुई होगी पिछले 5 महीने के अंदर, उस सारी की सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसएससी जो किसी एग्जाम में पूछता है वो लगभग 5 या 6 महीने तक ही पूछता है, ठीक है। और अभी जो मैं सीएचएसएल का पैटर्न देख रहा हूँ उसमें पिछली, मान लीजिए देखो अभी जो मार्च में एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज्यादातर नवंबर से लेके फरवरी तक के पूछे जा रहे हैं, ये तो पिछले 4 महीने के पूछे जा रहे हैं, फिर भी हम 1 महीना एक्स्ट्रा यानी कि 5 महीने कवर करेंगे इन सभी चीजों में, ठीक है। इसके साथ साथ फिर जो आपका बचता है आखिरी में, वो बचता है आपका करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर की हमने 1 मार्च से पूरी सीरीज शुरू कर दी है, और अगर आप 1 मार्च से नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, तो हमने 1 से लेकर 15 तक के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में कंपाइल किए हैं, आपको वो करंट अफेयर सेक्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर 1 15 से लेकर 30 तक की आएगी, और क्योंकि मैंने आपको कहा कि जनवरी से लेकर हम सभी करंट अफेयर तैयार करेंगे, तो हम 4 लेक्चर और अपलोड करेंगे जिसमें हम 1 से लेकर 15, फिर दूसरे में 15 से लेकर 30 जनवरी, फिर 1 से लेकर 15 फरवरी और 15 से लेकर 28 फरवरी तक के सभी करंट अफेयर्स आपको कवर कराएंगे। और आगे तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, डेली हमारी करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर अपलोड हो ही जाता है 10 बजे तक, ठीक है, वो आपको फॉलो करना है। तो ये टोटल मिला के हमारा सारा काम हो गया, और अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं, 4 जून तक आपको ये फॉलो करना है, ठीक है, तो मैं नहीं मानता कि कोई आपको रोक सकता है 40%+ स्कोर करने में सीपीओ जीके के सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास बनती है वो बनती है इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश में भी काफी लो स्कोर रहता है, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको काफी दिक्कत होती है इंग्लिश में स्कोर करने के लिए। तो अभी मैं इंग्लिश के लिए भी अभी तक हमने कुछ ज्यादा मटेरियल अपलोड नहीं किया है, इडियम फ्रेजेस का हमने एमसीक्यूज अपलोड किए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के किए हैं। मैं आपको सभी के सभी पार्ट ऑफ स्पीचेस, जो मेरे 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, सभी के सभी रूल पढ़ाऊंगा, ठीक है, और सारी के सारी एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी पूछा जाता है सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये अगले 2 महीने में हम करने वाले हैं, ठीक है, टाइम कम है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, हमें भी करनी पड़ेगी और आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंग्लिश की भी मैं जल्दी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ कि इंग्लिश के हमें टॉपिक वाइज कैसे प्रिपेयर करने हैं, और मैथ का तो आपको पता ही है कि चल ही रहा है, हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दी है, 2 लेक्चर हो चुके हैं, 1 लेक्चर आज शाम तक आ जाएगा और 1 लेक्चर आपको कल सुबह तक मिल जाएगा, ठीक है। अब मैथ के डेली 2 लेक्चर आपको कम से कम मिल जाया करेंगे, 1 सुबह को और 1 शाम को, क्योंकि हमें 120 दिनों के अंदर ये सब चीजें पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो 2-2 लेक्चर हमें एटलीस्ट रोज के पढ़ने पड़ेंगे, और आपको भी इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और जो भी लेक्चर हमारा अभी जो भी लेक्चर हमारा आएगा हमारे चैनल पे, कोई भी लेक्चर अपलोड होता है अभी, या तो जीके से रिलेटेड होगा या मैथ से रिलेटेड होगा, ठीक है, उसके बाद हम 1 या 2 दिन के अंदर हम इंग्लिश भी शुरू करने वाले हैं, तो आप एक एक लेक्चर को पूरा पूरा देखिए, क्योंकि एंड में भी हम ऐसी चीजों को डिस्कस करते हैं जो पूछी गई है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने जो इमरजेंसी का लेक्चर अभी डाला था उसमें मैंने सबसे आखिरी में फाइनेंशियल इमरजेंसी बताई थी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो बिल्कुल आखिरी के 1 मिनट में था, 35 मिनट की वो वीडियो है, 34वीं मिनट में मैंने वो चीज बताई थी। तो एक स्टूडेंट है उसने मेरे को अभी बताया था मेल करके, तो उसने कहा कि सर जो मैं ये लेक्चर देख के गया था इसके ऊपर क्वेश्चन मिला मेरे को, ठीक है। तो अगर आप किसी भी वीडियो को बीच में से अगर देख के निकल जाते हैं या फिर कभी भी या स्किप करके देखते हैं तो आपके फैक्ट छूट सकते हैं, क्योंकि हमने जो मटेरियल तैयार किया है उसमें कोई भी हमने इररिलेवेंट फैक्ट नहीं डाला है, कोई भी फालतू की बात नहीं डाली, सभी के सभी वे चीजें डाली गई हैं जो पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सभी के सभी लेक्चर्स को आप पूरा देखिए।
तो स्टूडेंट्स अब अगर अब भी आपकी कोई क्वेरी बचती है जीके से रिलेटेड तो आप हमें फिर भी वीडियो के इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी आप इंतजार कीजिए, हम इंग्लिश की भी स्ट्रेटेजी वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।